अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं कश्मीर यूट्यूब इन्फॉर्मर, जिसमें मिलती है आपको यूट्यूब कश्मीर कम्युनिटी की सारी अपडेट। इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं बट सादत के बारे में। तो आपको पता होगा कि इनकी और उमर कुरैशी की कंट्रोवर्सी चल रही थी, तो उसमें बीच में थे कश्मीरी मेंटास और मास्टर साकिब, जो कि कश्मीरी टैलेंटर्स की साइड ले रहे थे। लेकिन अभी रिसेंटली उन्होंने बुक्स के साथ फोटोज अपलोड किए एंड उन्होंने लिखा कि हमारे बीच कोई कंट्रोवर्सी नहीं है अब। और इससे पहले भी मास्टर साकिब ने एक स्टोरी अपलोड करते हुए ये बोला था कि इन दोनों के बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी एंड वो अब उन्होंने क्लियर की थी। तो अब ना ये बोकस के साथ और ना उमर कुरैशी के साथ, एंड इसके साथ साथ बट सादत ने वो वीडियो जिसमें उन्होंने रिप्लाई किया था उमर कुरैशी को, वो डिलीट किया अपने चैनल से। मोस्ट प्रोबेबली इनके और उमर कुरैशी के बीच कंट्रोवर्सी खत्म हो गई एंड ऑफिशियली शायद हमें दो तीन बात देखने को मिले। तो ये थी बट सादत, उमर कुरैशी और बाकी के बारे में अपडेट। चले करते हैं हम नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कश्मीर वाइल्ड लाइफ के बारे में। तो ये एक टॉप रैंकड फोटोग्राफर है कश्मीर के एंड अभी इन्होंने रिसेंटली यूट्यूब ज्वाइन किया। तो अगर आप में से कोई वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी में इंटरेस्टेड है तो इनकी चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए अब करते हैं हम नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एक्सप्लोर कश्मीर के बारे में। तो आपको पता होगा कि इन्होंने काफी टाइम से कोई वीडियो नहीं अपलोड करी, तो भी इन्होंने रिसेंटली स्टोरी डालकर ये बोला कि इनका एक सैलून बन रहा है तो उसमें ये बिजी है, तो इसलिए ये घूम नहीं पाते एंड व्लॉग्स अपलोड नहीं कर पाते एंड जल्द ही ये सैलून का काम कम्प्लीट होने के बाद ये फिर से वीडियोज अपलोड करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये थी एक्सप्लोर कश्मीर के बारे में बात। चले करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं बंदूक 029 के बारे में। तो आपको पता होगा कि इनकी और बीटीएस फैंस के बीच क्या कंट्रोवर्सी हुई थी। तो उन्होंने एक्चुअली ट्रोल किया था बीटीएस को एंड उसके बाद बीटीएस के फैंस ने इनका अकाउंट इतना रिपोर्ट किया कि वो अकाउंट ही बंद हुआ। तो अभी इन्होंने रिसेंटली एक मौलवी साहब की वीडियो शेयर करी थी जिसमें वो बीटीएस के बारे में बात कर रहे, जिसमें वो बोल रहे कि कैसे बीटीएस शैतान को सपोर्ट करता है। उन्होंने वो वीडियो स्टोरी में शेयर करते हुए ये लिखा कि मैंने भी सेम ही चीज बोली थी, बस फनी वे में बोली थी। तो ये थी बंदूक 029 के बारे में बात एंड बस ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।